स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को निधन हो गया। देश ने अपना अमूल्य रत्न खो दिया। पिछले एक रही लता मंगेशकर की उम्र 92 वर्ष थी और रविवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली और दुनिया को अलविदा कह दिया। केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। उनकी पार्थिव देह को दोपहर 12 बजे लता कुंज स्थित घर पर ले जाया गया। इसके बाद अंतिम संस्कार भी शिवाजी पार्क स्थित शमशान में किया जाएगा। लता मंगेशकर की कोरोना रिपोर्ट 8 जनवरी को पॉजिटिव आई थी और उन्हें निमोनिया हो गया था। इसके बाद से वे अस्पताल के ICU में भर्ती थी। इलाज के दौरान उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, किंतु करीब 5 दिन पहले स्वास्थ्य स्थिर होने पर ऑक्सीजन भी निकाल दी गई थी, लेकिन उन्हें ICU में ही रखा गया था। शनिवार को उनकी हालत फिर एक बार खराब हुई और रविवार की सुबह 8:12 पे वे इस दुनिया को अलविदा कह गई। उनके चाहने वालों में उनके निधन के समाचार मिलते ही सन्नाटा छा गया और उनके चाहने वाले विलाप कर उठे। उनकी आवाज का जादू ही कुछ ऐसा था कि जिसने उनके गीत को सुना वे फिर उनकी आवाज का मुरीद होकर रह गया। उन्हें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ संगीत की जानी मानी हस्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है।